आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से विपक्षी दलों के नेता मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने कल सुबह मुलाकात का वक्त दिया है, सभी विपक्षी नेता पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात विपक्षी नेताओं की होगी। कल सुबह 11 बजे यहां पर विपक्षी नेता मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति की तरफ से। फिलहाल सुबह 11 बजे का वक्त यहां पर मुकर्रर किया गया है विपक्षी नेताओं से मुलाकात के लिए, और सभी विपक्षी नेता पहुंच रहे हैं। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये मुलाकात होगी सभी विपक्षी नेताओं की, और ये देखना है किस तरीके से यहाँ पर विपक्षी नेताओं की तरफ से क्या चीजें राष्ट्रपति से कही जाती है। लेकिन साफ तौर पर यह महत्वपूर्ण मुलाकात कल रहेगी। विपक्ष के तमाम नेता पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए। कल सुबह 11 बजे का वक्त माननीय राष्ट्रपति की तरफ से यहाँ पर दिया गया है, जिसके बाद विपक्षी नेता पहुंचेंगे और तमाम जो स्थिति है वह राष्ट्रपति के सामने विपक्ष की तरफ से रखी जाएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए विपक्ष के नेताओं की तरफ से समय मांगा गया था। कल सुबह 11 बजे का ये समय माननीय राष्ट्रपति की तरफ से यहां पर दे दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कृष्णा सोनकर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृष्णा, किस तरीके से विपक्ष के तमाम नेता पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए, कौन कौन से नेता यहां पर शामिल हो सकते हैं इस मुलाकात में? जी, आपको बता दूं कि मणिपुर का दौरा करने वाले 21 सांसदों के जो प्रतिनिधि मंडल के साथ फ्लोर लीडर बुधवार को सुबह 11:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। तमाम जो मुद्दे थे जिनके ऊपर जो चर्चा होनी थी, मणिपुर का मुद्दा हो गया, हरियाणा मुद्दा हो गया, संसद की कार्य प्रणाली है उस पर भी एक जो मुद्दा है वो उठाएंगे। और आपको बता दूं कि बड़े नेता होंगे शामिल इसमें, जिसमें कैस लगाजरी की राहुल गांधी समेत अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के हैं और जयंत चौधरी जो है आरएलडी के प्रमुख है वो भी मुलाकात करेंगे, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जो सांसद संजय सिंह है वो भी मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि ये देखा गया किस तरह से जो आज जो मुख्य तौर पर दिल्ली के अंदर जो दिल्ली ऑर्डिनेंस जो बिल है उसको भी आज जो है पेश किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। कहीं ना कहीं जो इस बार है जो मानसून सत्र चल रहा है वो कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट लगातार चढ़ रहा है। 9वां दिन हो चुका है, अब बेहद कम दिन बाकी है क्योंकि 11 अगस्त तक जो है मानसून सत्र चलेगा, जिसमें आप रविवार और शनिवार को हटा लीजिए तो तकरीबन अब बेहद ही कम दिन रह गए हैं। और इस पर जो है विपक्ष पूरा इंडिया गठबंधन है वो लगातार जो है सरकार को मणिपुर मुद्दे पर घेरता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है ऐसा जो दावा किया जा रहा है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से, जो ये बोल रहे हैं कि जो सरकार है वो नियम 267 के तहत जो मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहती, वही सरकार जो है नियम 176 के तहत चर्चे को शॉर्ट में रखना चाहती है ताकि एक दिन के भीतर ही चर्चा समाप्त हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का कहना है कि वही जो चर्चा है वो पूरी अनिश्चितकालीन हो ताकि देश के सामने भी पूरा जो मुआयदा है वो उसको रखा जाए, और कहीं ना कहीं जो है इसकी जो गतिविधि है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो बयान से बच रहे हैं, कहीं ना कहीं सदन के भीतर जो उनको बयान अब देना चाहिए क्योंकि वो वक्त आ गया है। आपको बता दें उसी की तरफ से जो है सरकार ने भी अवगत कराया है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो इस मानसून सत्र को चलने नहीं देता क्योंकि वो हंगामा ज्यादा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जो केंद्रीय मंत्री है वो भी इस पर यही बयान दे रहे हैं कि जो ये मानसून सत्र है उसमें तमाम जो बिल है लोकसभा राज्यसभा के अंदर वो पेश करने थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अब हंगामे की भेंट चढ़ रहा है क्योंकि विपक्ष जो है पूरी एकता में है और कहीं ना कहीं संसद को चलने में बाधित कर रहा है। तमाम बड़ी चीज है जिसको लेकर जो घमासान है वो आपने देखा किस तरह से पिछले दिनों में जारी रहा, जो संसद में विपक्षी दल है वो कहीं ना कहीं सरकार को लगातार घेर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उसी को लेकर जो है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी पूरी मानसून सत्र जो है बिल्कुल। देखिए कल जब ये मुलाकात होगी विपक्ष नेताओं की राष्ट्रपति से, तो ये भी देखना होगा कि इस मुलाकात के नतीजे क्या कुछ निकलते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।